हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम शेयर लेके आए नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी इसका जो प्राइस है 29.15 रुपीज़ चल रहा है और हमने मैक्सिमम चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर इसका रिटर्न देखिए, मैक्सिमम तो 17.40 है और करीब कंपनी 2005 से लिस्टेड है। तो 2005 से अब तक 17.40 का रिटर्न का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है भाई ऐसा रिटर्न। तो अगर 5 साल की बात करें तो कंपनी ने करीब 42.54 का पॉजिटिव 5.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 29.84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने 64.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 मंथ की बात करें तो कंपनी ने 18.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 5 डेज की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव में 2.67% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो दोस्तों, जैसे कि हम मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो कंपनी में मतलब जिग जैग फॉर्मूले के अनुसार चलती है। मतलब कंपनी कभी बढ़ जाती है 2 साल में, फिर गिर जाती है, फिर 2 साल में बढ़ जाती है, गिर जाती है। तो ऐसे ही कंपनी में चल रहा है। तो अभी मतलब ये वेविंग बना रही है, जो वो बोलते हैं ना वेव कर्व, वो वाला ग्राफ कर रहा है। तो कंपनी हालांकि जो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल्स है, तो फार्मास्यूटिकल्स का तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बनेगी, चाहे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चाहे इंडिया की पॉपुलेशन हो, रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर्स में। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं कि कंपनी कौन कौन से फार्मास्यूटिकल्स या API प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टरों को। हम इसके फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे कि कंपनी एक अच्छी है या नहीं है। बाकी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि हम के क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देंगे। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो हम कंपनी की साइट पर आ चुके हैं, नेक्टर लाइफ साइंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंपनी अबाउट अस के बारे में। तो नेक्टर लाइफ साइंस इज ए नॉलेज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंस्टिट्यूट वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोइंग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एनालाइज टुडे इमर्ज द टॉप रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन अमंग अस मिड साइज फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया एज पर दी फॉर्च्यून नेक्स्ट 500 2027 इज द अमंग टॉप 4 रनिंग। तो ये मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सबसे बड़ी बात ये है। और फार्मास्यूटिकल्स में भी ये कंपनी फॉरन में भी है और एंटीबायोटिक बनाती है, और जो सेफालोस्पोरिन नाम का ग्लोबल है एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, वो वर्ल्ड में केवल यही कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा बनाती है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल मार्केट इज करंटली वैल्यूड US डॉलर 1.2 ट्रिलियन, विद द फर्स्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक कंस्टिट्यूट $100 बिलियन। सेफालोस्पोरिन होल्ड शेयर्स $21 बिलियन एंड दिस प्रोवाइड नेक्टर एंड एड्रेसेबल मार्केट नियरली $13 बिलियन। जैसे कि आप बता रहे कि जो नेक्टर लाइफ साइंस है, वो मेनली जो सेफालोस्पोरिन्स नामक का जो एंटीबायोटिक है उसको बनाती है, और इसमें मतलब काफ़ी लीडर है और यही इसको एड्रेसेबल मार्केट मतलब प्रोवाइड करवाता है। तो मेनली कंपनी हालांकि और भी APIs बनाती है, बट मेन इसका है वो है सेफालोस्पोरिन्स। तो दोस्तों, अब इसके बात करते हैं फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में। तो जैसे कि हम टिकर बायफिनोलॉजी पे आ चुके हैं, सेक्टर इसका फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग है। 52 वीक की हाई बात करें तो 30 रुपये है, 32 रुपीज़ है। 52 वीक लो की बात करें तो 14.50। मार्केट कैप की बात करें तो 662.69 करोड़ है, और नंबर ऑफ शेयर 22.43 करोड़ है। PE दिया नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62 है, फेस वैल्यू 1 है कंपनी का, डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती, बुक वैल्यू 47.60 है। तो अच्छी बात यह है कि अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रही है। अभी करंट जो मार्केट प्राइस है CMP वो 29.55 है और इसका बुक वैल्यू 47.60 है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। कैश कंपनी के पास में 17.57 करोड़ है, लेकिन डेट कंपनी के पास में बहुत ही ज़बरदस्त डेट है 753.83 करोड़। तो बहुत ही डेट है कंपनी के पास में। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि अच्छी है, 55.8। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है 0.05। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है 8.67%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है 2.09%। और
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.06% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है, नेगेटिव 188.69। तो चीज़ों अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट भी है और जो फाइनेंशियली जो डाटा है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक ही डाटा दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, वो है कि एक ये प्रमोटर होल्डिंग 55.8% है। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे इसके और भी पीयर्स कंपनी की बात करते हैं जिसमें आता है श्री गणेश रेमन, वैलेंट लेबोरेटरी, मेडिकम बायोटेक, अनुहा फार्मा, मेडिकोज रेमेडीज, अल्बर्ट डेविस, ये सब इसके पीयर्स में हैं। अभी हम इसके बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर इसमें 55.8% है, पब्लिक 28.16% है और FIA 16.02% है, DIA 0.01% है। और बुरी बात ये है कि जो भी प्रमोटर्स के होल्डिंग है 55.8% वो पूरी की पूरी प्लेज है, तो ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात हो गई है कंपनी के लिए। अब कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और अगर एक ही चीज़ अच्छी दिख रही है कि इसका जो एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 16.06 है, जो कि एक अच्छी बात है। लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी की बहुत सारी लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स हैं, उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं तो पुअर प्रॉफिट ग्रोथ है नेगेटिव 190.74% फर्स्ट 3 ईयर। कंपनी पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है नेगेटिव 13.61% फर्स्ट 3 ईयर्स। कंपनी पुअर रिटर्न ऑफ इक्विटी है नेगेटिव 2.13% और फर्स्ट 3 ईयर। पुअर ROCE है 3.09% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑफ 0.49%। प्रमोटर प्लेजिंग इज हाई एज 100%। तो ये है कंपनी का। अब हम इसके जो बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो नेट सेल्स की बात करते हैं तो जहां सितंबर 2022 में 388.65 करोड़ था वहीं 397.96 है, हालांकि नेट सेल थोड़ा बढ़ा है, उसी के आसपास चल रहा है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेगेटिव 22.42 जहां सितंबर 2022 में था वहीं पॉजिटिव आकर 1.02 हुआ। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का जो नेट सेल्स मार्च 2019 में 2,784.93 करोड़ था वहीं 1,523.67। तो नेट सेल्स घटा है 19 से 2023 में, वहीं नेट प्रॉफिट भी कंपनी का नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव 47.33 करोड़ से नेगेटिव 22.46 करोड़ आ गया है। और शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी के पास में जहाँ 2019 में शेयर कैपिटल 22.43 थी, वह एग्जिटेड 22.43 है, शेयर कैपिटल सेम है। तो अभी हम इसके जैसे प्रमोटर्स की होल बात करें तो संजीव हैं, संजीव गोयल इसके मेनली प्रमोटर्स हैं। और अभी इसके और भी रेशियो की हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का 133.37 करोड़ है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 विच इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द कंपनी। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, नेगेटिव 188.70 जो कि कंपनी के लिए ख़राब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 3.59% है जो कि एक बैड साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का नेगेटिव में 2.09 है जो भी एक बैड साइन है। शेयर प्राइस अभी 28 रुपये करीब 29 रुपये के समथिंग चल रहा है और बुक वैल्यू 45 है, तो शेयर प्राइस लो प्राइस पे है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हालांकि कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली नहीं है, फिर भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के नाते इसमें कुछ मतलब फ्यूचर्स में रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती है हमें, हालांकि आने वाला टाइम ये बताएगा कि ये कितना रिटर्न जनरेट करेगी। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होने के कारण हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स में ग्रोथ है इंडिया में देखा जाए तो। तो दोस्तों ये था हमारा व्यू नेक्टर लाइफ साइंस के ऊपर। आपका क्या व्यू है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा ज्ञानवर्धक तो एक लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।